चलिए, तो मैं क्या बता रहा था, पाइक्लोसाइटोसिस। तो मैंने क्या बोला कि दिस इज द वेरिएशन इन द शेप ऑफ आरबीसी, चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी। साइज का चेंज होगा तो कहलाएगा एन आइसोसाइटोसिस, शेप का चेंज होगा तो पाइक्लोसाइटोसिस। तो मैं क्या बोला कि एक था इरेगुलर शेप, मतलब प्रॉपर कोई शेप ही नहीं है, होना चाहिए था बायकॉनकेव शेप, सर्कुलर शेप है ही नहीं। ऐसा होता है कब, यूरेमिया के केस में, एक्सेस यूरिया आरबीसी के मैचुरेशन प्रोसेस में बाधा है, इसलिए ऐसा होता है। एक होता है कल्सर्ड आरबीसी, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन की वजह से होता है, बता रखा हूँ डिटेल। अब मैं इसकी बात कर रहा था, ठीक है, तो मैं इसके लिए बता रहा था कि आपके आरबीसी का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है साइटोप्लाज्म का, वो होता है 0.9% NaCl सॉल्यूशन के बराबर। तो मुझे बताओ कि कल को मैं एक ऐसे टब में या कैसे चैम्बर में आरबीसी को रख दूं जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9% NaCl सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन से कम है। तो मुझे बताओ इस केस में आरबीसी जो मैंने रखा है वो आरबीसी श्रिंक करेगी या वो आरबीसी स्वेल करेगी, जल्दी बताओ। कम है, श्रिंक करेगी। तो मुझे बताओ अगर ये कम है कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? कॉन्सेंट्रेशन कम है, हाइपोटोनिक। दिस इज हाइपोटोनिक, और हाइपोटोनिक में पानी ज्यादा, हाइपोटोनिक में पानी ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा, पानी ज्यादा, तो पानी सेल के अंदर जाएगा, पानी सेल के अंदर जाएगा या बाहर जाएगा? सॉल्यूशन में पानी ज्यादा है तो पानी सेल के अंदर जाएगा, तो सेल स्वेल करेगी आरबीसी, बोलो, स्वेल करेगी, स्वेल करेगी, और स्वेल करके ये फट भी सकती है अगर एक्सेस स्वेल करेगी। तो अगर आपके ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि जो ब्लड है प्लाज्मा है वो भी इसी रेंज में होना चाहिए, अदरवाइज आरबीसी तो श्रिंक कर जाएगा। अगर कल को ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हाइपोटोनिक हो गया, ज्यादा ही पानी चढ़ा लिया, या सॉल्ट कम खा रहे हैं, शुगर कम खा रहे हैं, उस केस में आरबीसी स्वेल कर सकती है और एक्सेस स्वेल करके बस्ट भी कर सकती है, ठीक है। देन दूसरा कंडीशन सोचो कि अगर कल को आपके आरबीसी अगर ऐसे फ्लूड में रखा गया आर्टिफिशियली, या फिर आपके बॉडी फ्लूड्स प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन वेरी करके 0.9% NaCl सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के तुलना में ज्यादा हो चुका है, और उसमें अगर आरबीसी रखा जाए, तो बताओ आरबीसी क्या करेगी? पहले मुझे बताओ ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा या हाइपोटोनिक? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में सॉल्यूट ज्यादा कि सॉल्वेंट ज्यादा? सॉल्वेंट कम है, तो जल्दी बताओ पानी सेल से बाहर निकलेगा या सेल के अंदर जाएगा? सेल से बाहर निकलेगा, क्या होगा, आरबीसी विल गेट श्रिंक, आरबीसी श्रिंक कर जाएगा। तो इन दोनों केस में भी आरबीसी के शेप में वेरिएशन देखने को मिलेगा। आरबीसी श्रिंक तब करेगी जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा, और आरबीसी स्वेल तब करेगी जब वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा, चाहे किसी भी प्रकार का इरेगुलरिटी हो शेप में, चाहे वो रेगुलर शेप हो, सर्कल शेप हो, चाहे वो श्रिंक करे स्वेल करे, उस बात को पहचानेगी स्प्लीन, सो दैट स्प्लीन को किल करेगी, सो दैट कॉलेज ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी। फिर मैंने बोला कि एक्सेस ब्लड सेल बन जाए तो उसको भी स्टोर करने का काम स्प्लीन करती है, ठीक है। नॉर्मल अमाउंट तो ब्लड का इतना ही होता है, लेकिन एक बार पता है आरबीसी का कम होने से तो क्या होगा, एनीमिया, अभी बात करेंगे। लेकिन कई बार आरबीसी का नंबर भी बढ़ जाता है, और आरबीसी का नंबर बढ़ना, दिस इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया। क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया। मुझे बताओ आरबीसी का नंबर कम होगा, एनीमिया होगा, उससे तो बहुत हार्मफुल इफेक्ट होगा, अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आरबीसी का नंबर बढ़ने से पॉलीसाइथीमिया होगा तो कोई नुकसान है? सोच के बताओ। नो सर। है, किसी भी चीज का एक्सेस और किसी भी चीज का डेफिशिएंसी दोनों ही घातक है। किसी भी चीज का एक्सेस ज्यादा, अगर ब्लड में आरबीसी ज्यादा, तो बताओ आरबीसी का सॉलिड कंपोनेंट ज्यादा हो रहा है या प्लाज्मा या फ्लूइड कंपोनेंट ज्यादा हो रहा है? सॉलिड, क्योंकि सेल एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, सॉलिड ज्यादा हो रहा है, तो बताओ ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी कि विस्कोसिटी घट जाएगी? विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, घट जाएगी। और विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो ब्लड फ्लो का रेट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? ब्लड फ्लो का रेट घट जाएगा, तो सेल को टिश्यू को O2 इजिली मिल पाएगा या डिफिकल्टी होगा उसको, प्रॉब्लम होगा। तो पॉलीसाइथेमिया में ब्लड की विस्कोसिटी प्रॉब्लम होने वाला है, तो पॉलीसाइथेमिया भी सही नहीं है, ठीक है। अच्छा बताओ, इन जनरल पॉलीसाइथेमिया हार्मफुल नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलीसाइथेमिया देखने को मिल सकता है, बताओ किस केस में? अभी बताया था एल्टीट्यूड सिकनेस, हेलो, अभी बताया था एल्टीट्यूड सिकनेस, वहां पर भी पॉलीसाइथेमिया होता है, ब्लड का नंबर बढ़ता है, ब्लड में उसका किसका आरबीसी का नंबर बढ़ता है। तो बोलोगे सर तो एल्टीट्यूड सिकनेस में अगर पॉलीसाइथेमिया हो रहा है तो फिर तो सेल को उल्टा टिश्यू को जो है O2 धीरे धीरे पहुंचेगा, आप तो कहते हैं जल्दी पहुंचाना चाहिए,
बात समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? पॉलीसाइथेमिया से विस्कोसिटी बढ़ेगा, ब्लड फ्लो घटेगा, तो टिश्यू को तो धीरे धीरे पहुंचना चाहिए, लेकिन एल्टीट्यूड 6 में तो उल्टे फास्ट पहुंचाना है। तो कोई बता सकता है ऐसा कैसे हो रहा है? अरे भैया केवल पॉलीसाइथेमिया नहीं हो रहा है वहां पे, वहां पे आप ब्रीदिंग रेट भी बढ़ा रहे हो, ऊपर से हार्ट रेट भी तो बढ़ा रहे हो, वहां हार्ट रेट भी बढ़ा रहे हो, तो पंपिंग प्रेशर भी तो बढ़ा रहे हो ना पर टाइम में। तो आरबीसी का नंबर क्यों बढ़ाया? ज्यादा आरबीसी लगा तो ज्यादा O2 लिखा जाएगा ना एक बार, इसलिए नंबर बढ़ाया। तो पॉलीसाइथेमिया इन जनरल एल्टीट्यूड सिकनेस में देखने को मिलता है, वो हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर विदाउट हार्ट रेट बढ़ाया पॉलीसाइथेमिया हो गया तो वो हार्मफुल है। अब हम बात करते हैं एनीमिया। अगर आपको पता है कि ब्लड में मेन ब्लड सेल्स आरबीसी ही होता है, अगर उसका नंबर घट जाए दिस इज वेरी हार्मफुल एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनीमिया। चलो मैं एनीमिया के अलग अलग केस बात करूंगा। सबसे पहले अभी मैं चारों केस पर बात करूंगा एनीमिया के, लेकिन मुझे सबसे पहले बता दो कि एनीमिया के केस में हार्ट रेट क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? ये बात मैं वहां पे आपको नहीं बताया था और आप में से किसी ने पूछा भी नहीं, जबकि नोट्स में लिखा हुआ है हार्ट रेट बढ़ेगा। एनीमिया के केस में हार्ट रेट बढ़ेगा। अब आप बोलोगे क्यों, तो सुनना ध्यान से, एक बार बताओ आपके बॉडी में ब्लड की कमी है, आपके बॉडी में ब्लड की कमी है, अगर आपके बॉडी में ब्लड की कमी है तो टिश्यू को O2 की रिक्वायरमेंट उतनी ही है या उल्टे टिश्यू की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई है ब्लड कम होने से? टिश्यू की रिक्वायरमेंट तो उतनी है, टिश्यू को तो जितना O2 चाहिए था उतना ही चाहिए, बोलो। और वो तो आरबीसी करता है ब्लड, तो अगर आपका आरबीसी कम हो गया, एनीमिया कम हो गया, ब्लड कम हो गया है तो क्या करें, ब्लड तो कम हो चुका है। अच्छा, चाहे ब्लड लॉस हो, सॉरी चाहे एनीमिया हो या एक्सीडेंटल ब्लड लॉस हो, वो भी एनीमिया का एक काउज हो सकता है, अर्जेंट एनीमिया, ठीक है, एक्यूट एनीमिया बोलते हैं उसको, तुरंत से ब्लड लॉस, तो दोनों ही केस में हार्ट रेट बढ़ेगा। और वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जितना ब्लड है, अब ब्लड है घट गया तो कुछ दिन बाद ही ना मेंटेन हो पाएगा, या ब्लड चढ़ाएंगे तब मेंटेन हो पाएगा, डिलीवर करेंगे तब, तो आप फिलहाल क्या करें भाई, तो फिलहाल हार्ट रेट बढ़ा दो, जितना ब्लड है उसी को फटाफट पंप करो, और फटाफट पंप करोगे तो जितना आरबीसी है उसमें वही फटाफट टिश्यू को जाके O2 देगा और सब्स्टिट्यूट लेगा। सो दैट इन केस ऑफ एनीमिया और ब्लड शॉक, एक्सीडेंटल ब्लड लॉस, उसको बोलते हैं ब्लड शॉक, उस केस में हार्ट रेट बढ़ेगा। किसी ने नहीं पूछा वहां पे, मैं जान के छोड़ के आगे बढ़ा था। चलो अब बात करते हैं क्या कि एनीमिया 3 प्रकार का होता है, इस तीनों प्रकार को समझना है, रटना नहीं है। वैसे तो एनीमिया कई प्रकार के केस होते हैं, मैं ब्रॉडली उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। एनीमिया मतलब डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, एनीमिया मतलब होता है ब्लड की कमी, ब्लड में मेनली आरबीसी होता है, आरबीसी की कमी लीड्स टू एनीमिया। 3 टाइप का एनीमिया होता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, पूरा नाम क्या है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। नेक्स्ट है मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, और नेक्स्ट है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। कोई रटेगा नहीं इसका मतलब को समझो। चलो मुझे बताओ, मैं जो वर्ड को अंडरलाइन करूंगा उस वर्ड का मतलब मुझे बस बताना। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। साइटिक मतलब, साइटो मतलब क्या होता है? तो बताओ इसमें आरबीसी का साइज घटा कि नहीं घटा, जल्दी बताओ। यस सर, साइज घटा है, लेकिन ये साइज किसकी वजह से घटा? आगे पढ़ो पूरा नाम। हाइपो मतलब क्या होता है? कम, लेस। क्रोम मतलब क्या होता है? क्रोम मतलब होता है कलर्ड पिगमेंट। बताओ आरबीसी का कलर्ड पिगमेंट कौन है? हीमोग्लोबिन। तो मुझे बताओ यहाँ पे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक का मतलब पूरा मतलब क्या निकल रहा है? लेस साइज ऑफ आरबीसी ड्यू टू लेस हीमोग्लोबिन। अब मुझे बता दो लेस हीमोग्लोबिन बनने का कारण क्या होगा, जल्दी बताओ। आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया। मैं इसका लेस हीमोग्लोबिन का कारण पूछ रहा हूँ, आयरन डेफिशिएंसी। तो अगर आपके बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, डाइट में आयरन की डेफिशिएंसी है, तो आयरन की डेफिशिएंसी हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी काउज कराएगा, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी आरबीसी का साइज घटा देगा। दिस इज माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, रटने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रो का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। लार्ज। तो बता आरबीसी का साइज बढ़ गया, आरबीसी का साइज बढ़ गया कि छोटा हो गया? बढ़ गया, आरबीसी का साइज बढ़ गया। अब मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बढ़ने का, आगे पर नॉर्मल, आगे पर कारण क्या है? नॉर्मोक्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन नॉर्मल है या अब नॉर्मल है? हीमोग्लोबिन नॉर्मल है,
नॉर्मल है, फिर भी आदमी इसका साइज क्यों बढ़ा है जल्दी बताओ कारण? अरे फॉलिक एसिड और विटामिन की कमी, जो आरबीसी के मैच्योरेशन में जरूरत है उसकी कमी हो गई, आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाया प्रॉपर, ऑर्गेनेल डीजनरेट नहीं हो पाए प्रॉपर, लेकिन हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल ही आ गया, तो बताओ उस केस में भी उस आरबीसी को कौन किल कर देगा दली? बोलो कौन किल कर देगा? स्प्लीन। इस केस में भी स्प्लीन, तो आरबीसी से आरबीसी को अगर स्प्लीन कर देगा टाइम होने से पहले ही, टाइम के पहले ही, तो क्या हो जाएगा? एनीमिया। दिस इज मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, रटने की कोई जरूरत नहीं ड्यू टू विटामिन बी12 डेफिशिएंसी एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। इसमें हीमोग्लोबिन अमाउंट सेम है फिर भी आरबीसी का साइज बढ़ गया। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, बताओ आरबीसी का साइज नॉर्मल या अबनॉर्मल? नॉर्मल, हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल, फिर भी एनीमिया हो गया, कारण बताओ? एक्सीडेंट ब्लड लॉस, विटामिन बी12, एक्सीडेंट ब्लड लॉस, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्यूट एनीमिया, अचानक से एनीमिया आ गया ब्लड लॉस की वजह से, तो तीनों का अलग अलग कारण है, क्या रट हो गया इसमें बताओ? सो दिस इज ऑल अबाउट द एनीमिया, दिस इज ऑल अबाउट रेड ब्लड सेल्स, देख लो अगर कोई डाउट है पूछ लो। अच्छा इसमें लिख लेना, ये हार्ट रेट बढ़ता है, वैसे आप पीछे लिखा हुआ है हार्ट रेट बढ़ता है एनीमिया के केस। बाकी नीचे ये जो फिनोमेना मैंने बताया कि अगर आपको अगर आप आरबीसी को रखोगे हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो श्रिंक और स्वेल करेगा, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्रीनेशन, क्या बोलते हैं इसको? क्रीनेशन। और आरबीसी कहाँ बनता है? बोन मेरो में। बोन मेरो कहाँ होता है? मैं पहले बात कर चुका हूँ स्केलेटल में, जो हमारे लॉन्ग बोन या फ्लैट बोन होता है उसके किनारे पर होता है, एंड पार्ट पर, जैसे स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, एस्कल बोन, रिब्स, एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, पेक्टोरल गर्डल, तो इन सब में क्या होता है आपको? रेड बोन मेरो होता है, उसमें होता है ब्लड सेल का फॉर्मेशन, तो ज्यादा ब्लड सेल्स का जो अमाउंट है वहां पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि जो ओरिजिनेटिंग ब्लड सेल्स। इसलिए जब भी नॉन वेजिटेरियन हो अगर तो नॉनवेज खाओ, तो इन चीजों के हड्डियों पर ज्यादा फोकस करो हमेशा, ठीक है? तो उसको हड्डियों को चूसने से ये आपको आयरन की डेफिशिएंसी का भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका आयरन हमारा आयरन है, आयरन तो आयरन होता है भाई, आयरन तो आयरन है, सेम ही होगा, वो डायरेक्ट वहां से आयरन लेंगे तो ज्यादा आयरन मिलेगा, ठीक है? वहां पे ब्लड सेल बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे मैच्योरिंग ब्लड सेल्स काफी सारे होंगे, तो वहां से हमें डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट रेड ब्लड सेल, पूरी रेड ब्लड सेल में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। अभिषेक, अभिषेक, रिवा, सृष्टि, चलिए आप क्या कीजिए, पहले जल्दी से पूरी आरबीसी को पढ़िए, देन मैं अगले मीटिंग में डब्ल्यूबीसी को खत्म करूंगा, ठीक है? जल्दी इसको पढ़ो।